दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का आत्मकारक है, यानी बिना सूर्य के हमारे सौरमंडल में कुछ भी संभव नहीं। और 8 अप्रैल 2024 को राहु निगल जाएंगे इसी सूर्य को। अरे, आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में राहु और केतु मिलकर सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब लगता है सूर्य ग्रहण। और 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो कि मेष राशि में लगेगा। यह सूर्य ग्रहण रात के 9:12 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:25 तक चलेगा। इस सूर्य ग्रहण में 7:50 के लिए सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। दोस्तों, हमारे ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण के बारे में वर्णन है। कहा जाता है कि हिंदू सनातन धर्म में ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण को लेकर बताया गया है कि राहु केतु सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं। कहते हैं महाभारत काल के समय भी एक सूर्य ग्रहण लगा था, जिसके बाद बड़ी तबाही आई थी। ऋग्वेद में जिक्र है कि जब पहली बार सूर्य ग्रहण को लोगों ने देखा तो वो डर गए। तब ऋषि अत्रि ने सूर्य को राहु केतु के ग्रहण से मुक्त करवाया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों ग्रसित करते हैं राहु केतु? राहु राक्षसगण में पैदा हुए और उनकी माता का नाम सिहिका और पिता का नाम विप्रजित था। बचपन से ही काफी तेज दिमाग के थे। कुछ समय बाद देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध इतना अजब था कि इसमें देवता कमजोर होते गए, और इसका कारण था इंद्र को मिला हुआ वो श्राप जो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें दिया था। उस श्राप के बाद स्वर्ग इंद्र के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दिया। इंद्र भगवान बहुत परेशान थे और सभी देवता भी लड़ते लड़ते काफी कमजोर हो गए थे। तब वो सब विष्णु भगवान से सहायता मांगने पहुंचे और विष्णु भगवान ने उन्हें एक सलाह दी। उन्हें सलाह दी कि वो समुद्र मंथन करें, तभी देवताओं को नया जीवन दान मिल सकता है। उनका कहना मानकर देवता और दानव दोनों ही समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग और मंदर पर्वत के मदद से समुद्र का मंथन शुरू हुआ। एक से एक चीजें बाहर निकलती गई और अंत में निकला वो जिसका सबको इंतजार था, अमृत। अब देवताओं और दानवों में अमृत को लेकर फिर से युद्ध शुरू हो गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि वे देवताओं और दानवों दोनों को बराबर बराबर अमृत देंगी। लेकिन उन्होंने चालाकी से अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया और दानवों को जो वो पिला रहे थे वो कुछ और ही था। तभी राहु चुपके से इस बात को देख लेते हैं और वो एक तरकीब निकालते हैं। वो देवता का रूप धारण कर देवों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप में थे गलती से राहु को भी अमृत पिला देते हैं। लेकिन इस बात को सूर्य और चंद्रमा दोनों देख लेते हैं और वो जाकर विष्णु भगवान को बता देते हैं। तभी विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट देते हैं। लेकिन क्योंकि तब तक राहु ने अमृत पी लिया था और वो अमर हो चुका था, तब जो धड़ का हिस्सा था उसे केतु नाम दिया गया और सर वाले हिस्से को राहु। और कहा जाता है तभी से राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रसित कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान विष्णु से कहकर राहु का सर धड़ से अलग करवाया था। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर हरेक राशियों पर पड़ता है। ग्रहण की वजह से देश दुनिया में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब होते हैं। कहा जाता है कि राहु केतु पाप, भय, शत्रुता, दुर्भाग्य और कलंक के कारक हैं। छल कपट और मनोरोग के भी कारक माने जाते हैं राहु केतु। भूत, हृदय रोग, दुर्घटनाओं के भी कारक होते हैं। लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन पर इस तरह के ग्रहण का असर कम होता है और उन्हें सुख मिलता है। लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं उन्हें ही कर्मों की सजा मिलती है।